पांव और सर को ढक के रखना चाहिए, मौसम बदल रहा है ना तो ठंड लग सकती है ना, इसलिए अच्छे से ढक के रहेगी मुन्नी। हाँ अब ठीक है, आते हम कपड़ा सुखा के। दीदी 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 सुनिए ना जल्दी, क्या हुआ कुसुम? मेरी मुन्नी की तबीयत बहुत खराब लग रही है। तू आराम से बोल कि हुआ क्या। तेजी से सांस ले रही है दीदी, और बीच बीच में खांस भी रही है, और उसको तेज बुखार भी लग रहा था। कुसुम बिना किसी देर के मुन्नी को स्वास्थ्य केंद्र ले जा जल्दी। स्वास्थ्य केंद्र? और इसके पापा? ऐसा करती हूँ कि मैं भी चलती हूँ, और हाँ माँ और शिशु सुरक्षा कार्ड लेना मत भूलना। ठीक है आप चलिए, हम आते हैं। ठीक ना मुन्नी को लेकर जल्दी आ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। बैठो कुसुम। बताइए क्या हुआ मुन्नी को? डॉक्टर साहब ये कुसुम सुबह सुबह मेरे पास आई और कहने लगी कि मुन्नी की सांसें तेज तेज चल रही है और इसे हल्का बुखार भी लग रहा है। तो हमको तो आपकी सारी बात याद आ गई जो आपने पिछली दफ़ा हमको बताई थी, तो हम बिना देर किए हुए कुसुम को आपके पास ले आए। देखिए ना डॉक्टर साहब अभी भी तेज सांस ले रही है, खांसी जुकाम और बुखार भी है। घबराने की कोई बात नहीं है कुसुम, मैं मुन्नी को अभी देख लेता हूँ। छाती के निचले हिस्से में हल्का धंसाव भी है, सांस लेने में थोड़ी घरघराहट भी है। मुन्नी में न्यूमोनिया के लक्षण साफ दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा हुआ समय रहते प्रतिभा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र ले आई। जी अगर सर्दी बुखार और जुकाम के अलावा कभी ऐसा महसूस हो कि मुन्नी की सांस तेज चल रही हो, या वो लेटे लेटे हाँफ रही हो, या फिर उसकी पसली चलने लगे, इसका मतलब उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई है, या फिर वो कुछ खा पी नहीं रही हो, उसको तेज बुखार हो जाए, या उसके होंठ हाथ या पैर नीले पड़ने लगे, ऐसे में जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य केंद्र जाकर उसका इलाज करवाना जरूरी है। ऐसा न करने से या देर होने से मुन्नी की जान को खतरा हो सकता है। अच्छा हुआ जो आप हमें यहाँ ले आए, अगर हम इसके पापा के घर आने का इंतजार करते तब तक देर हो जाती तो। कुसुम क्या तुमने मुन्नी को निमोनिया के टीके लगवाए थे? जी नहीं अभी तक तो नहीं लगवाए हैं। कुसुम बच्चे को निमोनिया के तीनों टीके लगवाने बहुत जरूरी है। जरा जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड देना। अगर तुमने मुन्नी को निमोनिया के टीके लगवाए होते तो आज शायद मुन्नी को निमोनिया नहीं होता। ना जाने हमसे क्या गलती हो गई दीदी, जो हमारी वजह से हमारी बच्ची को निमोनिया हो गया। कुसुम मैं तुमको एक एक करके निमोनिया से बचाव करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रतिभा तुम भी ध्यान से सुनो, तुम्हारे बच्चे और परिवार के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसी क्या गलती हुई होगी जो मुन्नी को निमोनिया हो गया? क्या तुम मुन्नी को हाथ में लेने से पहले अपने साफ सफाई का ध्यान रखती हो? रखते तो है डॉक्टर साहब। क्या तुम शौच के बाद खाना बनाने या बच्चों को खाना खिलाने से पहले साबुन से हाथ धोते हो? या फिर मुन्नी अगर कभी कभी खुद ही खा लेती है तो उसका हाथ साबुन से धोती हो? जी डॉक्टर साहब कभी कभी तो धोते हैं।
कभी कभी नहीं कुसुम, हर बार धोना चाहिए। परिवार में किसी को भी बाहर शौच करने नहीं जाना चाहिए, घर में ही शौचालय बनवाकर शौच की आदत डालनी चाहिए। ये परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, और अगर परिवार स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ। जी, पीने का पानी? पीने का पानी तो हम रसोई में ही रखते हैं, एकदम गंदगी से दूर। पर क्या पीने का पानी ढका हुआ होता है? हाथ हमेशा साबुन से धोकर ही पानी निकालना चाहिए, और कभी भी पानी में हाथ को डुबोना नहीं चाहिए। बच्चे को चूल्हे के धुएं से भी दूर रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का धुआं बच्चे को नुकसान करता है। जी, इन सब बातों के साथ साथ घर की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। गंदगी सांस के साथ या बच्चों के खाने के साथ मुंह के अंदर जा सकता है, और वो बीमारी पैदा कर सकता है, और इससे निमोनिया हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आज से मैं इन सब बातों का पूरा ध्यान रखूंगी और मुन्ने के लिए सब कुछ करूंगी। अब ये दवाई मैंने लिख दी है, जाकर ले लो। मुन्नी को उसकी उम्र के हिसाब से खाना देना जरूरी है, इससे वो कमजोर नहीं होगी और जल्दी ठीक होने में भी मदद मिलेगी। और अगर मुन्नी खाना नहीं खा पा रही हो तो खाना को बांट बांट कर थोड़े थोड़े देर में खिलाएं। मुन्नी को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना और आराम करवाना। जी डॉक्टर साहब, मैं पूरा ख्याल रखूंगी, मुन्नी के खाने का भी और इसकी दवाइयों का भी, और मैं मुन्नी को दिखाने भी जरूर आऊंगी। ये ठीक भी हो जाएगी तो भी जरूर दिखाने आऊंगी। हॉस्पिटल या क्लिनिक में डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई को बीच में ना छोड़ें। पूरी दवाई खत्म होने पर बच्चों को जांच के लिए फिर से अस्पताल ले जाएं और उसकी जांच करवाएं, ताकि निमोनिया वापस दोबारा लौट कर ना आए। हमने तो अपने बच्चे की निमोनिया से बचने की पूरी तैयारी कर ली है। सबसे पहले निमोनिया के लक्षण को पहचान लें, और इसका पता लगने पे तुरंत बिना देर किए हुए किसी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से जरूर दिखवाएं। और तीसरा, निमोनिया के 3 टीके लगवाना कभी मत भूलें। धन्यवाद।